अगर मैं आप लोग को एक ऐसी रेमेडी दे दूं जिससे आपके बाल भी झड़ना बंद हो जाए, आपके हेयर की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाए, थिकनेस भी अच्छी हो जाए, आपके बाल बहुत सुंदर हो जाए, स्पिटेंस की समस्या खत्म हो जाए, डैंड्रफ की समस्या खत्म हो जाए, तमाम सारी समस्या खत्म हो जाए, और घर की चीजों से, किचन की चीजों से, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूँ सीमा। इतनी सारी रेमेडी शेयर करी है और फाइनली एक स्पेशल चीज मैंने छोड़ दी, और वो कैसे छोड़ दी, ये तो गलत चीज है। बट यार गाइस, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इतनी सारी चीजें बताई है कि ग्रीन टी, ब्लैक टी का जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ग्रीन टी से आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, अपनी ब्लैक टी से भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो फाइनली आज मैं आप सभी शेयर करने वाली हूँ आपका ग्रीन टी और ब्लैक टी से आप अपनी 5 रेमेडी जिससे आप अपने बालों को थिक भी कर सकते हैं, अपने बालों को ब्लैक कलर प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने बालों में आप लस्टरस कलर ला सकते हैं, जैसे आप मेरे बालों को देखते हो जब भी मैं हेयर क्लिप करती हूँ, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने बालों में अपने आप से कलर एक ला सकते हो। कैसे? अपने आप से नहीं भाई, ग्रीन टी से, ब्लैक टी से, है ना। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में ग्रीन टी और ब्लैक टी के बेनिफिट्स, और आप लोग के साथ में बेहतरीन 5 रेमेडी जिससे आपके हेयर थिकनेस भी होगी, आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को क्या करना है आप लोग को पता है, तो आप लोग वो कर देना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो फर्स्ट रेमेडी है। देखो, फर्स्ट रेमेडी ये है कि ग्रीन टी का हमें रिंस वाटर प्रिपेयर करना है। ग्रीन टी का रिंस वाटर प्रिपेयर करने के लिए आप क्या यूज करोगे? 3 से 4 चम्मच आपकी ग्रीन टी, नहीं है ब्लैक टी ले लीजिए जिससे हम चाय बनाते हैं, ठीक है। उसमें आप डालिए 5 से 6 चम्मच के करीब, आपकी 5 से 6 चम्मच के करीब आपका नीम लीव्स। अब आप सोचेंगे कि भाई नीम लीव्स क्यों ले हम, नीम का क्या काम है इसमें? तो भाई नीम का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपका रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो अभी आप कहोगे दीदी हेयर फॉल हो रहा है, 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 इससे अच्छा कि मैं इन सब चीजों को सुनने से पहले ही आप लोग की सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें 3 से 4 चम्मच आपका ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी डालना है, अच्छे से इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इसको आप छान लीजिए। छानने के बाद से जो आपकी नीम की पत्तियां होती हैं, चाहे आप ड्राई ले लें और चाहे आप फ्रेश वाली ले लें, गर्म पानी को जो आपने छाना हुआ है, स्टेन किया हुआ, उसमें ही आप ये अपनी नीम की पत्तियां डाल करके छोड़ दीजिए, ठीक है, ढक दीजिए, जिससे वो इन्फ्यूज हो जाएंगी और जो उनकी गुडनेस होगी वो इसमें इन्फ्यूज होकर के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट रेमेडी, इससे आपके बालों में जो हेयर फॉल की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, आपके बालों में कलर बहुत अच्छा आएगा। आपके बालों में स्प्रिडेंस की प्रॉब्लम है भाई, स्प्रिडेंस की प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा है कि हम बता नहीं सकते। स्प्रिडेंस की प्रॉब्लम होगी क्यों नहीं, जब आप ख्याल ही नहीं रखते हो तो ख्याल रखना जरूरी है ना। तो हेयर का ख्याल रखिए भाई, पेट का ख्याल रखते हो, स्किन का ख्याल रखते हो, लिपस्टिक नहीं छूट जाए, काजल नहीं छूट जाए, तो भाई हेयर का भी तो ख्याल रखो, टकले हो जाओगे तो कहाँ जाओगे, है ना। तो क्या करना है, 6 से 7 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मार्केट का, घर का, जो भी आपको मिले आप वो ले लीजिए, ठीक है। उसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद से कोकोनट ऑयल ले लीजिए 3 से 4 चम्मच। बस उसके बाद से क्या करेंगे, 3 से 4 चम्मच हनी ले लेंगे, ठीक है, और 6 चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रीन टी का वाटर। ग्रीन टी का वाटर कैसे प्रिपेयर करना है, आपको लेना है एक आपका बाउल और उसमें आपको डालना है 1/2 ग्लास पानी और उसमें आपको डालना है 3 से 4 चम्मच ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद इन सारी चीजों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद से इसको पूरी लेंथ पे लगा लीजिए और उसके बाद से फॉइल पेपर से या फिर जो सब्जी वाली पन्नी होती है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तब हमें हीटिंग प्रॉपर्टीज देनी, जिससे हमारे स्प्लिटिंग्स जो होते हैं वो होते हैं वीक, बहुत कमजोर, आपके बालों से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, तभी उनकी हिम्मत होती है आपकी स्प्लिटिंग्स की जो समस्या होती है ना बढ़ने की, वो बाहर निकल आते हैं, वो आपके काबू में नहीं रहते, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको लगाना है और फॉइल पेपर से या फिर पन्नी से इसको रैप कर देना, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, 2 घंटा छोड़ देंगे, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए, हफ्ते में 3 बार कीजिए, रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रेमेडी है हमारी आपकी जुए और डैंड्रफ के लिए। क्या करना है सोचिए, हम बताएंगे ना आपको करना क्या है। लेना है आपको 1 कप आपका ग्रीन टी वाटर, ब्लैक टी वाटर या ग्रीन टी वाटर, ठीक है। उसके बाद से आपको इसमें डालना है 5 से 6 आपका लौंग और 3 से 4 इंच टुकड़ा आपका डालना है सिनेमम स्टिक, हाँ जी सिनेमम स्टिक, दालचीनी, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा जिंजर क्रश किया हुआ, अच्छे से इसको बॉईल कर लीजिए और 3 से 4 चम्मच इसमें आप डाल दीजिए दही और 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल,
तीनों में से कोई भी एक ऑयल डाल दीजिए, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको आप पूरे बालों में अप्लाई कीजिए, स्कैल्प में अप्लाई कीजिए, जहां डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वहां अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। 1 घंटे रखिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए। अब हम लगाएंगे कैसे इसको, ऑयली हेयर पे लगा सकते हैं, दीदी टोनर लगे हुए बालों पे लगा सकते हैं, रिंस किए हुए बालों पे लगा सकते हैं, टॉनिक लगे हुए बालों पे लगा सकते हैं, तो जी नहीं, आपको किस पे लगाना है, ऑयल लगे हुए बालों पे लगा सकते हैं, टोनर लगे हुए बालों पे लगा सकते हैं और अपना रिंस वाटर किए हुए बालों पर आप लगा सकते हैं। नाइट हेयर पैक टॉनिक आपका एक कंप्लीट हेयर पैक है, उसमें आपको कुछ नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट रेमेडी। अब नेक्स्ट रेमेडी हमारी क्या है, किस चीज के लिए है बताइए, हेयर थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो हेयर थिकनेस को हम बूस्ट कैसे करेंगे, तो आपको लेना है आपका 1 कप ग्रीन टी वाटर, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा आपका अनियन जूस, कितना डालेंगे आप, 3 से 4 चम्मच, और उसमें आप डालेंगे 6 चम्मच आपका दही, छनी हुई दही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच आपका क्या चीज, फेनुग्रीक का पाउडर, और 3 से 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे आपका कलौंजी का पाउडर, ठीक है। आप चाहें तो इन सारी चीजों को एक में मिक्स कर ले और रख ले, ठीक है, और उसके बाद से इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद से रात भर के लिए इसको भिगो कर रख दीजिए, सुबह उठकर इसको लगा लीजिए। ऑयल लगे हुए वालों पे भी लगा सकते हैं, कंडीशन यहाँ पर ये अप्लाई होती है कि अगर आप बाहर नहीं गए हैं तो ही, अगर आप बाहर गए हैं डस्टिंग लेकर आ गए हैं, गंदा संदा आपका सर है और आप उस पर लगा लोगे अपना पैक, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आप दीदी को मैसेज करोगे, दीदी मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, तो ये चीज नहीं करना, ठीक है ना। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मस्ती के मूड में हूँ और आप लोग के साथ में ऐसी वीडियोस अब शेयर करने वाली हूँ, अच्छे से और नॉर्मल तरीके से सिंपल रेमेडीज, क्योंकि आप लोग हर जगह से मेरी वीडियोज को देख रहे हैं और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़कर आप लोगों से, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हमारी फैमिली को बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट रेमेडी हमारी है किस चीज के लिए, लॉन्ग हेयर। भाई किसको नहीं चाहिए लॉन्ग हेयर, मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, सभी को चाहिए। थिक हेयर की बता दी ना, अब लॉन्ग हेयर के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्या करना है, 1 कप ग्रीन टी वाटर लेना है, उसमें आपको डाल देना है आपका आधा कप फर्मेंटेड राइस वाटर, आधा कप आपका रोज वाटर, ठीक है। 3 से 4 चम्मच आपको डालना है कैस्टर ऑयल, हाँ जी कैस्टर ऑयल, और 3 से 4 चम्मच आपको डालना है एलोवेरा जेल, इसको आप बनाकर रख लीजिए, ठीक है, एक टॉनिक के रूप में, और इसको आप अपने पूरे स्कैल्प पे लगाइए, ठीक है, 1 दिन हेयर वॉश करने से पहले। ऑयल लगे हुए बालों पे भी आप इसको लगा सकते हैं और शैम्पू किए हुए बालों पे आप जब लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। जब भी आप अपने बालों में ऑयल करते हैं, 3रे दिन हेयर वॉश होता है, 3रे दिन हेयर वॉश के 1 दिन पहले आप इस चीज को अपने बालों में लगाइए और उसके बाद से वॉश कर लीजिए। अब दूसरी लैंग्वेज में समझा दूं, मंडे हेयर वॉश किया, मंडे हेयर ऑयल है और ट्यूजडे हेयर ऑयल, वेडनेसडे हेयर ऑयल होगा नेक्स्ट टाइम आपका, तो आप क्या करेंगे, ट्यूजडे की नाइट में अपना ये लॉन्ग हेयर वाला पैक लगा लेंगे और उसके बाद से शैम्पू के साथ में वॉश कर देंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज यार एक चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, इतने सारे लोग हो आप लोग और वीडियोस को देखते हो, फॉलो करते हो पर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आऊँ, मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों को सभी लोगों को मैं दिल दे रही हूँ, देखो मेंबर्स भी संभाल रही हूँ, आप लोग को भी संभाल रही हूँ, कृष्णा को संभालती हूँ, जीजू को संभालती हूँ, सबको संभालती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कर दो मेरे लिए, क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी हिट कर देना है और सीमा ब्लॉग को भी वॉच करना है और बहुत ही प्यारे प्यारे आपको कमेंट्स करने हैं जिससे मैं देख करके खुश हो जाऊं और आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। और आज मेरी एक मेंबर सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पूरी हो गई है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो कि आपके घर में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं। तो उन मैडम का नाम है रेखा उपाध्याय जी, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने रिक्वेस्ट की और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की हमने एक कोशिश की है। आई होप आपको हमारी रेमेडीज अच्छी लगी होंगी, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आप लोग डाल दीजिएगा, डे बाई करके डे बाई डे करके मैं सबकी रिक्वेस्ट को पूरी करूंगी, बट हफ्ते में 3 वीडियो ही आ पाएंगी, संडे हमारा लाइव सेशन होगा, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।